श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आपको पता है कि कल कार्तिक पूर्णिमा यानी 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पे ही इस बार ग्रहण भी लग रहा है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ग्रहण कब लगेगा, उसका सूतक कब लगेगा, ग्रहण का मोक्ष कब होगा, मोक्ष यानी ग्रहण खत्म कब होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रहण के बाद स्नान आपको कब करना है, पूजा पाठ आप कब से स्टार्ट कर सकते हो। अगर साथ ही कोई उपाय करने वाले हो तो उपाय आप किस समय करेंगे, जो सही समय होगा उस पर अगर आप उपाय करेंगे तो ज़्यादा उसका फल मिलता है। ये सभी जानकारी और साथ ही ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप सभी कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण यानी कि 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, यानी कल जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसका जो समय है वो है 5:32, शाम को 5:32 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। ठीक है, और ये चलेगा कब तक यानी कि मोक्ष कब होगा, तो चंद्र ग्रहण का जो मोक्ष है वो होगा शाम को 6:18 पे, यानी शुरू होगा 5:32 पे और समाप्त होगा शाम को 6:18 पे। तो ये तो रहेगा जो चंद्र ग्रहण है उसका काल, मतलब कितनी देर चंद्र ग्रहण रहेगा। अब आपको सूतक के बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि सूतक बहुत जरूरी होता है इसमें। तो कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उसके 9 घंटे पहले से सूतक शुरू हो जाता है। जब भी कोई चंद्र ग्रहण लगेगा उसका जो टाइम है, स्टार्ट होने का टाइम है, उसके 9 घंटे पहले से सूतक शुरू हो जाता है। तो अगर 5:32 पे चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो सूतक है वो सुबह 8:30 या 32 से शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना और जरूरी समझता हूँ कि मैं जो टाइम बता रहा हूँ ये वो टाइम है जो जहाँ पर मैं रहता हूँ उसका टाइम बता रहा हूँ। हो सकता है आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है। तो सूतक का जो समय स्टार्ट होगा वो सुबह 8:30 या 32 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी भगवान के पट भी उस समय बंद हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का जो पूजा पाठ है वो काम सब बंद रहेगा। आप सारे जो हमें खाने पीने की चीज़ें हैं उसको भी ढक के रखिए, उसमें तुलसी दल उसमें रख दीजिए, तुलसी दल में तो तुलसी का पत्ता भी उसमें आप रख दीजिए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चंद्र ग्रहण है उस पर आप स्नान कब करेंगे। तो चंद्र ग्रहण का जो स्नान है वो आप 6:20 के बाद कभी भी कर सकते हो। शाम को 6:20 के बाद आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद मंदिर जाइए, जो दीपक आपको दान करना वो दीपक दान करिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा उस दिन दीपक का बहुत ही महत्व है, दीप दान करने का बहुत महत्व है। इसलिए आप शाम को 6:20 के बाद नहा धोकर स्वच्छ होकर फिर आप मंदिर जाइए और दीप दान करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पे कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो वो उपाय भी उसी समय करेंगे जब वो मोक्ष हो जाएगा, यानी 6:20 के बाद जब आप स्नान कर लें, इसके बाद आप कोई सभी जो उपाय करना चाहते हैं वो उपाय कर सकते हैं। और या फिर आप सुबह 8:20 से पहले अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज सूतक लगने के बाद और मोक्ष के पहले तक आप कोई भी उपाय नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। तो भारत के कुछ भागों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देने वाला है, जैसे गुवाहाटी है, पटना है, रांची है, सिलीगुड़ी है, कोलकाता है, और कुछ भाग में दिल्ली में भी ये दिखाई देगा, यानी इन जगहों पर चंद्रग्रहण दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।